हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू टुडे इट्स आवर वीडियो नंबर 18 ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट जिसमें हम लोग एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एंड एक एक वीडियो में हम लोग थर्टी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सो लेट्स स्टार्ट टूडेज प्रैक्टिस सेट एंड आर फर्स्ट क्वेश्चन द मिसक्री वर शिफ्टेड टू अनादर बिल्डिंग दैट सेम इवनिंग एंड वॉज कीपिंग इन कस्टडी बाय द पुलिस जैसे मिसक्रिएंट्स के साथ वर दिया गया है क्योंकि ये प्लुरल नाउन है इसीलिए प्लुरल वर्ब भी चाहिए एंड सेकेंड पार्ट में भी एंड के बाद वॉर आना चाहिए एंड वॉर दिया गया है ऑप्शन बी में वॉर कैप्ट इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ओनली किप्स ऑप्शन सी ये इसीलिए गलत होगा क्योंकि ये पूरा सेंटेंस एक सिंगल सेंटेंस है जो कि पूरा पूरी पास्ट फॉर्म में ही बनना चाहिए बट ये प्रेजेंट फॉर्म में दिया गया है ऑप्शन सी सो ये गलत है द सेक्रेटरी टॉक्स ओवर द फोन राइट नाउ राइट नाउ मतलब कि इसी वक्त की बात है इस टाइप का सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में बनता है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द सेक्रेटरी इज टॉकिंग ओवर द फोन राइट नाउ नेक्स्ट ही इज बेंट टू हार्म माई रेप्यूटेशन बाई फॉल्स एक्यूजेश के साथ ऑन या फिर अपोन का यूज किया जाता है एंड उसके साथ आई एनजी फॉर्म ऑफ वब एंड इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंट ऑन हार्मिंग ही इज बेंट ऑन हार्मिंग माई रेप्यूटेशन बाय फॉल्स एक्ूजेशन नेक्स्ट डेली बिरला इंटरनेशनल स्कूल एलमनस ऑक्यूपाई लीडिंग पोजिशन इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ प्रोफेशन एंड सर्विस फर्स्ट ऑफ ऑल एलमनस नहीं होगा एलमनस का मतलब होता है फॉर्मर स्टूडेंट मतलब कि किसी भी कॉलेज या फिर स्कूल का फॉर्मर जो स्टूडेंट होता है उसको एलमनस कहा जाता है बट यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म यानि कि एलमनी होना चाहिए एलमस का प्लूरल फॉर्म होता है एलमनी एंड यहाँ पर प्लूरल इसी लिए होगा क्योंकि सेंटेंस के लास्ट पार्ट में कहा गया है कि लीडिंग पोजिशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ प्रोफेशन एंड सर्विसेज मतलब कि डिफरेंट uh, एरियाज़ के जो प्रोफेशन और सर्विस होते हैं उसमें लीडिंग पोजिशन पर वो लोग बैठे हुए हैं So, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आलमनी ऑक्यूपाई नेक्स्ट आई एम थिंकिंग टू बाय अ न्यू कार एज माई ओल्ड वन इज गिविंग मी ट्रबल थिंकिंग टू नहीं होता है थिंकिंग ऑफ होता है आई एम थिंकिंग ऑफ एंड इसके साथ आई फॉर्म आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार and the answer is option B. Next, they could not find what they wanted and decide to look elsewhere. वो क्या चाहते थे वो उनको मिला नहीं इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया टू लुक एल्सवेयर मतलब कि कहीं और ढूंढने का तो ये पास्ट फॉर्म में बनेगा तो डिसाइड नहीं होगा डिसाइडेड होगा यानी कि पास्ट फॉर्म में एंड इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिसाइडेड टू लुक एंड हैड डिसाइडेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो सिंपल पास्ट फॉर्म में है उसका सिंपल पास्ट फॉर्म ही यूज करना होगा एंड के बाद भी नेक्स्ट द मिनिस्टर प्रोमिस टू लुकड इन टू द मैटर ऑफ फ्यूल एमिशन एंड एयर पॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ़ ऑल टू के बाद लुक्ड नहीं होगा क्योंकि टू के बाद मतलब कि ये इन्फिनेटिव फॉर्म में होता है तो टू के साथ ऑलवेज बेस फॉर्म ऑफ व ही लगाया जाता है एंड बेस फॉर्म ऑफ वब दिया गया है ऑप्शन सी एंड डी में तो कौन सा सही होना चाहिए जैसे कि ऑप्शन डी में इंटू नहीं दिया गया है तो सिर्फ लुक नहीं होगा लुक इंटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना एंड इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ये पास्ट फॉर्म में भी होना चाहिए द मिनिस्टर प्रोमिस्ड मिनिस्टर ने प्रोमिस किया टू लुक इंटू द मैटर नेक्स्ट एटीन सेंचुरी मशीन टिपिकली यूज वाटर पावर हैंस द अर्ली फैक्ट्रीज वॉज लोकेटेड ऑन द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फैक्ट्रीज के साथ वॉज तो नहीं होगा वर होगा एंड वर दिया गया है ऑप्शन ए एंड डी में एंड ऑप्शन ए में दिया गया है वो आर लोकेटेड ऑन द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स या फिर ऑप्शन डी में दिया गया है वो आर लोकेटेड नीयर द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स तो कोई फैक्ट्री रिवर के ऊपर तो लोकेटेड नहीं हो सकता है ये नीयर ही लोकेटेड होगा इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वॉन्ट्स अस टू बिलीव दैट बाई मोर स्टाफ विल मेक अस हैपियर यहां पर जरेंड फॉर्म यूज होना चाहिए बाइंग दैट बाइंग मोर स्टफ happier एंड बाइंग दिया गया है ऑप्शन सी में she goes मतलब कि वो जहां कहीं भी जाती है वो सारे टाइप के मेडिसिन को ले जाती है तो शी इज टेकिंग नहीं होगा कंटिन्यूस फॉर्म में गलत हो जाएगा यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होना चाहिए एंड सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में दिया गया है ऑप्शन सी शी टेक्स ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन एवर शी गोज नेक्स्ट चिलीज है स्ट्रॉग स्पाइसी टेस्ट द टिंगल योर टेस्ट बर्ड्स चिलीज़ का जो स्ट्रांग स्पाइसी टेस्ट होता है तो स्ट्रॉन्ग स्पाइसी टेस्ट ये सिंगुलर uh, नाउन है इसके लिए सिंगुलर वब टिंगल्स होना चाहिए दैट टिंगल्स दैट टिंगल्स योर टेस्ट बर्ड्स नेक्स्ट फॉर द लास्ट टू ईयर्स श्वेता हैज बीन डेलीगेंटली वॉकिंग विद रोहिंग्या रेफ्यूजीज टू क्रिएट कलरफुल टेबल मैट्स यूजिंग देअर लोकल वीविंग टेक्निक्स फॉर द लास्ट टू ईयर्स एंड इस टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर बेस्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर एंड इसका स्ट्रक्चर होता है हैज़ के साथ बिन ना कि बीइंग एंड इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैज़ बिन एंड श्वेता दिया गया है इसीलिए हैव भी नहीं होगा ऑप्शन ए भी गलत है नेक्स्ट द बुक्स दोज आई गेव यू इज माइन प्लीज डोंट मिसप्लेस दैम और लैंड देम टू समन एल्स क्वेश्चन को समझने के लिए ईजीएस्ट अप्रोच को रखना जरूरी होता है तो यहाँ पर हम दोज को पहले चेक नहीं करेंगे सो so, हम पहले देखेंगे इज माइंड जो लिखा गया है यहाँ पर दिया गया है द बुक्स द बुक्स दोज आई गेव यू इज माइंड मतलब कि इज uh, दिया गया है सिंगुलर फॉर्म में बट यहाँ पर प्लुरल फॉर्म होना चाहिए एंड प्लुरल फॉर्म दिया गया है ऑप्शन ए में नेक्स्ट द स्टडी फाउंड दैट द मैन हु वर मैरिड लिव्ड लॉन्गर दैन दोज हुर नाट मैरिड lived लॉन्ग long, लॉन्गर मतलब कि जो शादी किए थे वो ज्यादा दिन बचे मतलब कि जो नहीं किए थे उनके कंपैरिजन में ज्यादा दिन बचे मैरी करने वाले शादी करने वाले तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही दिया गया है वर नॉट यहाँ पर दैट भी नहीं होगा एंड दिस भी नहीं होगा एंड द वन भी नहीं होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नो सब्सिट्यूशन नेक्स्ट माई प्रोफेसर गेव मी यूजफुल एडवाइसि When I was writing my research paper. इस सेंटेंस में भी हम अंडरलाइंड uh, पार्ट का लास्ट वर्ड देखेंगे लास्ट वर्ड दिया गया है एडवाइसेज तो एडवाइसेज नहीं होता है एडवाइस अनकाउंटेबल होता है इसका प्लुरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है एंड सिंगुलर फॉर्म एक ही ऑप्शन में दिया गया है बी गेव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइस नेक्स्ट आई समटाइम्स पास अ डिलीवरी मैन व्हीलिंग अ लार्ज हैंडक्राफ्ट ऑफ जपानीज फूड द कार्ट बियर्स अ स्ट्राइकिंग मैसेज क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर एवरी वन बिलीव इन देअर ओन ऑथेंटिसिटी ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही लिखा गया है क्रिएटिंग अ वर्ल्ड मतलब कि ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं वेर वेर एवरी वन बिलीव्ज इन देअर ओन ऑथेंटिसिटी इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नो सब्सिट्यूशन एंड ऑप्शन ए में दिया गया है क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेराज तो वेराज नहीं होगा इसलिए यह गलत है ऑप्शन बी में दिया गया है क्रिएटेड मतलब कि ये पास्ट फॉर्म भी नहीं होगा ऑप्शन डी में दिया गया है बिन क्रिएटेड अ वर्ल्ड वेर एवरी वन तो बिन क्रिएटेड भी नहीं होगा नेक्स्ट स्कूल टीचर अर्न फ्यूअर सैलरी फ्रॉम अ कॉलेज लेक्चरर अंडरलाइन पार्ट का लास्ट वर्ड जो दिया गया है फ्रॉम वो तो नहीं होगा यहाँ पर देन होना चाहिए दो लोगों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है एंड देन दिया गया है ऑप्शन ए एंड सी में तो कौन सा सही होगा अ लोअर सैलरी या फिर फ्यूअर सैलरी तो सैलरी अनकाउंटेबल होता है इसके लिए फ्यूअर का यूज नहीं करेंगे और लोअर का यूज करेंगे एंड द आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट आई वॉन्ट टू लर्न योगा वेन आई वॉज इन स्कूल ऑट टू और निड टू ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म में दिया गया है एंड सेंटेंस में भी वही है आई वॉन्ट टू ये भी प्रेजेंट फॉर्म में दिया गया है बट सेंटेंस के बाद वाले पार्ट में कहा गया है वन आई वॉज इन स्कूल जब मैं स्कूल में था तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आई यूज़ टू लर्न योगा वेन आई वॉज इन स्कूल यूज़ टू का मतलब होता है हेबिचुअली कोई काम करना नेक्स्ट आई वुड नॉट ड्रीम टू रेज द प्राइज़ ड्रीम के साथ टू नहीं होता है ड्रीम ऑफ होता है ड्रीम ऑफ आई एन जी फॉर्म यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑफ रेजिंग आई वुड नॉट ड्रीम ऑफ रेजिंग द प्राइज नेक्स्ट आई थिंक यू हैड बेटर पेड ऑनलाइन इमीडिएटली एज यू मे नॉट गेट टाइम टू विजिट द बैंक लेटर ऑन ड्यूरिंग द डे ड बेटर के साथ ऑलवेज बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है एंड ये दिया गया है ऑप्शन ए में यू हैड बेटर पे नेक्स्ट द ऑथर इज नॉट वेल नोन लिटिल बिट पीपल हैव हिड ऑफ हिम फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल का ऑप्शन हटा देंगे क्योंकि लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है एंड यहाँ पर पीपल की बात है इसीलिए लिटिल गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन सी में दिया गया है अ फ्यू पर्सन एंड ऑप्शन डी में है फ्यू पीपल तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा तो अ फ्यू का मतलब होता है सम मतलब कि कुछ एंड ऑप्शन डी में जो दिया गया है फ्यू तो फ्यू का मतलब होता है स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग नॉट एज एक्सपेक्टेड जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे कहीं कम यहाँ पर इसी का यूज होगा ऑप्शन डी फ्यू पीपल मतलब कि बहुत ही कम लोग Uh, उस ऑथर को जानते हैं एंड यहाँ पर सही आंसर को हम लोग पर्सन और पीपल के थ्रू भी जांच कर सकते हैं क्योंकि पर्सन का यूज इंडिविजुअल के लिए होता है बट जब किसी लोगों के ग्रुप की बात हो उसके लिए पीपल का यूज होता है एंड इस सेंटेंस में पीपल का ही यूज सुटेबल होगा फ्यू पीपल हैव हर्ड ऑफ हिम नेक्स्ट वी फाउंड आउट दैट आवर कॉम्पिटिटर्स वर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट ऑन हायर प्राइज फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हायर का यूज़ सही होगा क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है वी फाउंड दैट आर कम्पिटीटर्स वर सेलिंग मतलब कि हम लोगों ने पाया कि हमारे कॉम्पिटिटर्स सिमिलर प्रोडक्ट को मच हायर प्राइस में बेच रहे हैं तो हायर का यूज़ सही है इसलिए हमारे ऑप्शन बचते हैं एक तो सेंटेंस यानी कि नो सब्सक्रिप्शन एंड ऑप्शन डी एट मच हायर प्राइज तो कौन सा सही होगा यहाँ पर पोजिशन की बात है इसलिए एट का सही होगा On का यूज इस टाइप के सेंटेंस में गलत होता है एट अ मच हायर प्राइज नेक्स्ट आफ्टर गोइंग थ्रू देअर ब्रॉचर आई हैज डिसाइडेड टू मेक अ डोनेशन टू हेल्प देअर कैंपेन फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस में दिया गया है आई हैज तो आई के साथ हैज का यूज नहीं होता है इसलिए सेंटेंस गलत है एंड ऑप्शन डी इसलिए गलत होगा क्योंकि डिसाइडेड के साथ इंफिनिटिव का यूज़ होता है फॉर का नहीं एंड बाकी बचते हैं ऑप्शन ए एंड सी आई डिसाइडेड टू मेक या फिर आई डिसाइड टू मेक तो यहाँ पर सिंपल पास्ट फॉर्म का यूज़ होना चाहिए आफ्टर गोइंग थ्रू दियर ब्राउचर उनके ब्राउचर से गो थ्रू करने के बाद मैंने डिसाइड किया टू मेक अ डोनेशन फॉर हेल्पिंग ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अ थर्ड ऑफ अस आर फीलिंग कंपेल्ड टू चेक आवर फोन्स इन द मिडल ऑफ द नाइट कंटिन्यूस फॉर्म में ये सेंटेंस नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर कहा गया है इन द मिडल ऑफ द नाइट नाइट के मिडिल में रात के बीच में तो इसके लिए आईएनजी फॉर्म का तो यूज़ नहीं कर सकते हैं इसके लिए सिंपल फॉर्म यूज़ करना होगा एंड आईएनजी फॉर्म में ऑप्शन ए भी दिया गया है एंड सेंटेंस भी दिया गया है तो ये दोनों गलत हो जाएंगे एंड बाकी बचते हैं ऑप्शन बी एंड डी अ थर्ड ऑफ अस फील कंपेल्ड टू चेक आवर फोन्स या फिर अ थर्ड ऑफ अस फील कंपेल्ड चेकिंग आवर फोन्स तो कंपेल्ड के साथ ऑलवेज टू इंफिनेटिव का ही यूज होता है सो यहां पर चेकिंग यानी कि ऑप्शन डी गलत हो जाएगा सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट वर्कर्स यूनियन हैज थ्रेटेंड फॉर गोइंग टू एन इंडेफिनिट स्ट्राइक थ्रीटेंड के साथ ऑलवेज टू का यूज होता है एंड टू के साथ सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि गो का यूज होगा टू गो ऑन एंड द आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट द यंग मैन वेट्स एट द जिम वेन ही पुल्ड अ मसल पुल्ड मसल का मतलब होता है मसल टूट जाना तो जब वो वेट लिफ्ट कर रहा था तो उसका मसल टूट गया यानी कि फर्स्ट पार्ट भी पास्ट फॉर्म में होना चाहिए एंड ये दिया गया है ऑप्शन ए में वॉज लिफ्टिंग नेक्स्ट ही टर्न अ डीफ यूर ऑन द एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है एडवाइसेस दिया गया है इसलिए एडवाइसेस के लिए ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी नो इम्प्रूवमेंट ये दोनों गलत हो जाते हैं एंड बाकी बचते हैं ऑप्शन ए एंड बी टू द एडवाइस या फिर ऑन द एडवाइस तो टर्न अ डी फीयर इसका मतलब होता है नॉट पेइंग अटेंशन टू समन टर्न अ डी फ्यर टू द एडवाइस इसमें टू का यूज होता है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट इट इज एविडेंट फ्रॉम करेंट रिसर्च दैट यंग एडल्ट इज मोर लाइक टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन स्पोकन इंग्लिश इफ देयर इज अ चेंज इन मैथोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल एडल्ट के लिए इज नहीं आर का यूज होगा एंड आर के साथ दिया गया है ऑप्शन ए एंड सी आर मोर लाइकली या फिर लाइक तो लाइक का यूज तो नहीं होगा ये कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा जिसका कोई मीनिंग भी नहीं बनेगा इस सेंटेंस में यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर मोर लाइकली लाइकली का मतलब होता है संभावित रूप से नेक्स्ट माई रिसेंट लंडन ट्रिप वॉज रियली स्पेशल बिकॉज आई वॉज बींग एबल टू मीट माई ने फैमिली आफ्टर मेनी इयर्स वॉज बीइंग एबल नहीं होता है यहाँ पर सिंपली होगा आई वॉज एबल आई वॉज एबल टू मीट माई नेफ्यू एंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में दिया गया है एम अनैबल तो ये एम दिया गया है यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में इसीलिए गलत है एंड अनेबल भी नहीं होगा एबल ही यहाँ पर सुटेबल होगा एंड ऑप्शन डी में दिया गया है हेज़ तो आई के साथ हेज़ का भी यूज़ नहीं होता है नेक्स्ट द डिटेक्टिव सर्ज द हाउस फ्राम टॉप टू बॉटम बट फाइंड एनी साइन ऑफ द स्टोलन गुड्स बट फाइंड एनी साइन तो यहाँ पर कंट्रास्टिंग सिचुएशन होना चाहिए यहाँ पर सही होता बट फाउंड मतलब कि पास्ट फॉर्म में होना चाहिए था एंड नो साइन होना चाहिए था उनको कोई साइन नहीं मिला तो सेंटेंस गलत है एंड ऑप्शन बी में दिया गया है वेल फाइंडिंग नो साइन मतलब कि कोई साइन फाइंड ना करते हुए यानी कि दो पैरल सिचुएशन तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर एक के बाद एक एक्शन हो रहा है उन्होंने पहले सर्च किया तभी जाके कि उनको नहीं मिला तो यहाँ पर एक के बाद एक होगा इसलिए वाइल का यूज नहीं होगा एंड ऑप्शन सी में दिया गया है डस्पाइट फाउंड तो डस्पाइट के साथ नाउन फॉर्म यानी कि जरंट फॉर्म होना चाहिए था फाइंडिंग डस्पाइट फाइंडिंग एनी साइन इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बट फाउंड नो साइन बट उनको कोई साइन नहीं मिला